और एक चीज जो है काफी इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि आई थिंक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, RRB PO के बारे में, तो हम उसकी भी बात करेंगे। और काफी अलग चीज है वो, किस किस को प्रेफरेंस दी जाएगी पहले जॉब में, ये कितना सच होगा कितना नहीं होगा वो देखने की बात रहेगी, बट ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है तो हम इसकी बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अर्जुन एंड आई एम वर्किंग एज SBI PO। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RRB PO एंड क्लर्क। अब 2 दिन बचे हैं लास्ट, सो फॉर्म फिलिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या जो है इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा मैं, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। और एक चीज जो है काफी इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि आई थिंक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, RRB PO के बारे में, तो हम उसकी भी बात करेंगे। और काफी अलग चीज है वो, किस किस को प्रेफरेंस दी जाएगी पहले जॉब में, ये कितना सच होगा कितना नहीं होगा वो देखने की बात रहेगी, बट ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है तो हम इसकी बात करेंगे। तो मैंने डिटेल में लिख रखा है इसको, तो ये जो है एज की बात करेंगे तो एज रहेगी 28 तक क्लर्क में, ठीक है 18 से। तो पहले एज की बात करेंगे हम, एज रहेगी 18 to 28, ठीक है 1 जून 2022 से, यहां से यहां तक मानी जाएगी, और 18 to 28, ठीक है असिस्टेंट की एज है, एज क्राइटेरिया है। और स्केल फर्स्ट की बात करें तो ये रहेगी 18 to 30, और ये क्राइटेरिया इस डेट तक वैलिड होगा, ठीक है तो ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री तो आपको सबको पता है चाहिए होती है, डिग्री के बिना तो कुछ है नहीं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है तो असिस्टेंट की बात कर लें, डिग्री ठीक है, फिर जो लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज चाहिए होगी, इसकी नॉलेज चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है RRB क्लर्क में। तो ये आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हो, लोग पूछेगी मतलब किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए, वैकेंसी देख के फॉर्म भरे या फिर लोकल लैंग्वेज की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं सब कुछ बता दूंगा अभी कि वैकेंसी कितनी कहाँ है और आपको जो लैंग्वेज में दिक्कत होने वाली है वो कितनी होगी और जो भी चीजें, तो ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि काफी डिटेल में दी हुई है RRB PO के नोटिफिकेशन में, तो वो भी एक बार देख लें आप, और वो मेरे हिसाब से आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। तो वो ये चीज है RRB PO के अंदर कि पहली बात तो जो है डिग्री चाहिए, जो कि असिस्टेंट में भी चाहिए, इसके अलावा लोकल लैंग्वेज ये भी सेम है, ठीक है इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, देन ये पूछा जा रहा है इसमें मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जॉब में प्रेफरेंस है वो किसको दी जाएगी, ठीक है तो उसकी बात करते हैं। मतलब स्पेशल डिग्रीज दी गई है कि ये डिग्री जिसके पास है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और लगभग 10-12 डिग्री लिखी हुई है, तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। तो वो डिग्रीज हैं, पहले लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि RRB का मतलब है रूरल के बारे में, तो एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, ठीक है देन ये है फॉरेस्ट्री। जिस भी कैंडिडेट ने ये इन डिग्रीज में ना अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन है
हस्बेंड्री ठीक है, फिर वेटरनिटी जो करते हैं डिग्री वो है वेटरनरी साइंस की है, ये स्ट्रीम होती है इसकी है। देन एग्री इंजीनियरिंग आईटी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और ये चीजें ईटीसी, दो तीन डिग्री और थी तो ये डिग्रीज हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ। अब कितना हकीकत होता है वो रिजल्ट के बाद में पता चलेगा, जो भी देख पाएंगे कितने कैंडिडेट किस डिग्री से पास हुए तो वो डिपेंड करेगा उस चीज पे, बाकी ये लिखा हुआ है तो ये बताना जरूरी है। और डिग्री कोई सी भी हो आपको पता है सब अलग होती है, लेकिन इस बार इन डिग्रीज को स्पेशली मेंशन किया गया है तो आप देख के जाएं। बाकी मेरे हिसाब से किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, डरने वाली बात नहीं है, बट ये नोटिफिकेशन में था इसलिए बताया मैंने। और इसके अलावा ये चीजें ना मतलब बताना जरूरी है कि किन किन चीजों में प्रेफरेंस दी जा रही है, कई लोगों को पता नहीं होता कि इस डिग्री को करके भी हम आरआरबी या मतलब बैंकिंग में जा सकते हैं, तो ये चीजें जानना जरूरी है। अब जो एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज आपने लगाना चालू कर दिया होगा, प्री के लिए तो एटलीस्ट लगाना चालू कर दो, वीक में एक या दो मॉक लगा लो। तो कौन सा मॉक लगाना है मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, और दो तीन जो टेस्ट सीरीज है वो प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, तो उनमें से आप चूज करें ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज जो है गाइडली की, GUIDELY ठीक है। गाइडली की बात करते हैं, गाइडली का 27th ऑफ जून को एक सरप्राइज आ रहा है, उसके लिए तैयार है, और जो सरप्राइज होगा काफी बड़ा सरप्राइज होगा और फर्स्ट टाइम होगा ऐसा, उसके लिए सरप्राइज अभी रिवील नहीं किया गया है, और उसके लिए 11 AM पे गाइडली की वेबसाइट है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी लिंक में, आप वीडियो का लिंक देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो यहां मिल जाएगा आपको। इसके लिए आप जो भी गाइडली से आप जो भी कोर्स खरीदें, जो भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, तो उसके लिए कैपिटल में TNB 12 ये जो है अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे नॉर्मल कोर्स से आपको 10% मिलता है, लेकिन ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको 12% मिलेगा ठीक है। तो ये गाइडली का है और 27th ऑफ जून को मंडे को ये सरप्राइज रहेगा काफी, और बाकी ये पोस्टर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा ठीक है। सो ये टेस्ट सीरीज का है, और मैं टेस्ट सीरीज के बारे में पहले बता चुका हूँ कि आपको कितना टेस्ट देना है, कब तक देना है, और मेंस के लिए प्री के लिए जो भी चीजें आपको काफी समझ होगी, चीज होगी बहुत बार बता चुका हूँ। देन हम बात करते हैं फीस की, फीस आपको सबको पता है, फीस है SC ST PWBD और जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए 175 है, और अदर्स जो हैं अदर जो बच गए उनके लिए 850 ठीक है। तो ये फीस है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वैकेंसी कितनी का है। तो पहले हम असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट पर ठीक है वैकेंसी। अब हम यहां तो लिखेंगे मैक्सिमम वैकेंसी कौन से स्टेट में, ठीक है। तो मैक्सिमम वैकेंसी जो है 571 है, कौन से स्टेट में, एमपी में ठीक है। देन है 459, ये है तेलंगाना में,
और फिर है 451 जो कि कहा है तमिलनाडु में। तो ये वैकेंसीज है। अब आप देखोगे यार कि एमपी तो चलो ठीक है, आसपास के इधर राजस्थान से लोग भर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप आपको लगता है कि आप तेलंगाना तमिलनाडु में जाके वैकेंसीज को ग्रैब कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। उसके अलावा आपको वहां रहना काफी दिक्कत करेगा, क्योंकि इधर नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में जाके आप साउथ में जाके काम करोगे तो काफी डिफिकल्टी होती है। तो ये चीजें, ये आरआरबी क्लर्क की जो है वैकेंसीज है जो कि मैक्सिमम है। और अदर स्टेट में कुछ और भी स्टेट जो है, गुजरात में हम बात करें तो 94 वैकेंसी है ठीक है। जे एंड के की बात करें तो ये 134 है। राजस्थान की बात करें तो ये 200 है। पंजाब की बात करें तो 150 है ठीक है। और यूपी की बात करें तो ये 158 है। तो ये कुछ स्टेट्स की ये वैकेंसीज हैं। और ये तो ये क्लरिकल में वैकेंसीज है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वैकेंसीज है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो या आपका सेकंड टाइम, जब भी आप। लेकिन ये कंपैरिजन टू लास्ट ईयर काफी अच्छी वैकेंसीज है। तो और सबसे इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आरआरबी में जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा वो हमेशा वैकेंसीज में फेरबदल करता है। तो कभी पहले दे देता है तो कभी एंड में देता है, कभी नहीं देता, कभी विड्रॉ करता है, तो उसकी काफी दिक्कत है। बाकी जो है वैकेंसीज काफी अच्छी है और एक दूसरे का ऐसे निकलेगी इसी स्टेट से भरे, उस स्टेट से भरे। अब अपने स्टेट से भरे, जितने वैकेंसीज है उनमें फाइट करें, और मेरा कहना ये रहेगा बेटर रहेगा। बाद में स्ट्रगल काफी रह जाएगा इतनी दूर जाके जॉब करना और वहां रहना, घर आना वापस, ट्रेवलिंग में जो भी काफी दिक्कतें आएंगी। तो मेरा कहना यही है अपने स्टेट से भरे तो सही रहेगा। इसके अलावा स्केल फर्स्ट की बात करें, स्केल फर्स्ट में जो है मैक्सिमम वैकेंसीज की बात करें कौन सी स्टेट्स में है, तो 429 है कर्नाटका में ठीक है। फिर जो है 319 है एमपी में, देन 265 है महाराष्ट्र में ठीक है। ये वैकेंसीज है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में है 145। गुजरात की बात करें गुजरात में है 100। जे एंड के की बात करें तो यहाँ है 69। पीओ की बात करें आरआरबी की, पंजाब में जो है, पंजाब में 105। देन राजस्थान की बात करें 120। और यूपी की बात करें तो 138। ये वैकेंसीज है पीओ में। तो अब जैसे राजस्थान से लोग भर रहे हैं तो 120 तक की वैकेंसी है, ये ऑल कैटेगरीज की वैकेंसीज है। तो अपनी कैटेगरी को भी देख ले कितनी क्या वैकेंसी है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब अब कर भी कह सकते हैं इतनी वैकेंसी में, बट जितनी देर रखी है काफी है, जितना हमें करना है। बाकी आगे और भी वैकेंसी आ रही है, एसबीआई भी आएगा, बट काफी लेट हो चुका है तो उसका इंतजार हम काफी दिनों से कर रहे हैं, बट आएगा जरूर। और इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, इंश्योरेंस के एग्जाम्स आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो आप, तैयारी मत छोड़ो, रेगुलर रखो ठीक है। इसके अलावा बाहर से जो है कोई भी फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती है, फैक्टर्स की बात करें, मतलब जो मैंने फेस किया वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाहर से आउट ऑफ द स्टेट फॉर्म भर सकते हैं ठीक है। तो पहली बात तो लैंग्वेज की, लैंग्वेज काफी दिक्कत करेगी और आरआरबी में तो काफी दिक्कत करेगी, ये आरआरबी में काफी दिक्कत करती है। तो लैंग्वेज एक तो, इसके अलावा एग्जाम सेंटर जो है उसी स्टेट में आएगा ठीक है। तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू, हो सकता है इंटरव्यू अपने स्टेट में हो जाए, लेकिन ये दोनों का आपको उसी स्टेट में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। देन उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ट्रेवलिंग में
काफी टाइम लगता है अगर जैसे लोग गुजरात या गुजरात पास में है, बट फिर भी वहां से मिनिमम 12 घंटे यहाँ आने के लगते हैं जयपुर, तो ट्रेवलिंग की काफी दिक्कत है। तो ये सब चीजें हैं, आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है वो आप डिसाइड कर लें। मैंने सब कुछ बता दिया, वैकेंसी बता दी है, फीस का स्ट्रक्चर बता दिया है, कौन से स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है जो बता दी, इसके अलावा क्या फैक्टर आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है, टेस्ट कौन सी लेनी है और एज का क्राइटेरिया क्या है, और स्केल जो फर्स्ट है पीओ उसके लिए हमें क्या क्या जो है डिग्रीज की प्रेफरेंस दी गई है, तो ये सब चीजें। इसके अलावा अगर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए आप नेक्स्ट बैंकर नाम से सर्च कर लें और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपको कोई भी क्वेरी में दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़े, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा विद इन द डे। जैसे आप मॉर्निंग में अगर क्वेश्चन पुट करते हैं ग्रुप में तो आपको इवनिंग तक उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इवनिंग में आंसर मिल जाएगा। और ग्रुप का नाम है द नेक्स्ट बैंकर, और शॉर्ट में आप इसे TNBIT बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरी इंस्टा आईडी है IMARJUN05, ठीक है, तो ये इंस्टा आईडी है, तो आप इसे ज्वाइन इसे फॉलो कर सकते हैं या ज्वाइन कर लें। और हमारे साथ अंकित सर और जुड़ चुके हैं, तो वो भी काफी एक्टिव है ग्रुप में, आपको कोई भी क्वेरी हो क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, तो आप कोई भी बेझिझक कोई भी क्वेश्चन डालें तो आपको विद इन अ डे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और हमने एक चीज और स्टार्ट की उसमें, अगर आपको ज्यादा कैंडिडेट्स को दिक्कत है एक ही क्वेश्चन में तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी अच्छे से तैयारी करने में हेल्प करेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इसी आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।